अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं कल का ब्लॉग हाफ छोड़ी थी, थोड़ा सा ही मैंने कल डाली थी वीडियो, तो वही मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। चलिए शुरू करेंगे। देखिए आज कपड़े पूरे सूख गए हैं। क्लाइमेट भी देखिए, क्लाउडी क्लाउडी क्लाइमेट है आज का, धूप बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए अब इस पुट्टी में हम सारे कपड़े घड़ी बना के डालेंगे। यह है अमली के बिन जो अल्लाह समद में पढ़ती हूँ, तो इसमें कीड़े आ जाते हैं मुझके रखने से। अभी मैं इसे गर्म करूँगी तवे पे डाल के, तब ऐसा हम गर्म करेंगे तो 12 साल रख के पड़ेंगे तो भी अमली के बीज ख़राब नहीं होते। अभी मैं आपको अच्छा सा एक ये बता रही हूँ, आप जो भी लोग अल्लाह समद पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं 5 महीने से या शायद 3 महीने से अल्लाह समद पढ़ रही हूँ, तो अभी क्या है तो इसमें थोड़े थोड़े से इसमें जो ऐसे ऐसे अंडा आ जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, ये तवे पे डाल के हम गर्म करेंगे ताकि ये बीज कभी भी ना ख़राब हो। इसीलिए अभी मैं दिखाऊंगी, देखिए इस तरह से वाइट वाइट जो भी होते हैं, इस तरह से अंदर से पता नहीं ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। तो मैंने भी किसी से पूछा, वो लोग बोले कि आप इसे तवे पे डाल के गर्म कर दो, कुछ भी नहीं होता, ख़राब भी नहीं होता और कीड़े भी नहीं पकड़ता बोले। तो इसको भी दिखाऊंगी किस तरह गर्म करना है बोल के। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा धूप लगने के लिए यहाँ पर डाली हूँ अमली के बीज, तो मैं नहीं चाहती कि अमली के बीज ख़राब हो या इसे कीड़ा पकड़े। मैं अल्लाह का नाम से पढ़ती हूँ तो इसे नीट एंड क्लीन से रखेंगे हम। देखिए मैं इस तरह से घड़ी बना के रख लेती हूँ ताकि आराम से मैं कपड़ों को नीट से, जैसे मैं नीट से धोती हूँ उसी तरह से जब भी मेरे पास टाइम होता है तब मैं उठा के बीरू में ऐसे ऐसे ही रख देती हूँ, तब उससे हमारा काम भी बच जाता है और कपड़े भी नीट से आयरन के जैसे रहते हैं। तो इस तरह से पुट्टी यूज़ करने से अच्छा है, ये जो आइडिया मुझे अच्छा था इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम जाते हैं नीचे, बीरू में रख सकते नहीं, वो इधर उधर फेंक के उड़िया हो जाती हैं कपड़े, या जब वॉश करते हैं हम लोग तब इस तरह पुट्टी में रख डाले तो ईजली जब हमें रात को हो या सुबह में हो आराम से उठा उठा के बीरू में रख सकते हैं, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो अभी मैं सारे कपड़े घड़ी कर चुकी हूँ, तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे और जो क्लिप है उसे भी हम उठा के रखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा काम हो गया, देखिए यहाँ पर हमारे झाड़ माशाल्लाह से सारे में कट करके छोड़ी थी, यहाँ पर पुदीना भी आ चुका है। इस तरह से नीट से करने से और पेड़ भी हमारे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। ये देखिए मनी प्लांट, किन किन को मनी प्लांट पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे तो बहुत पसंद मनी प्लांट। ये यहाँ पर छोटा सा बेबी अभी आने वाला है मनी प्लांट का, और सारे लेके आऊँगे बहुत सारे। देखिए यहाँ पर पुदीना, यहाँ पर फ्रेश वाला, तो इस तरह से लेके आई हूँ नीचे। तो मुझे जब टाइम मिलता है तब उठा के मैं इसी तरह से बीरू में रखती हूँ, आयरन करके रखती हूँ। देखिए लाना, वो कोने में फेंकना, वो धो के भी वेस्ट। वो इस तरह से पुट्टी हो तो आप आराम से इजीली से यूज़ कर सकते हैं। हम चूल्हे में बनाएंगे कुछ ना कुछ। ये चूल्हा है मेरे भतीजे के पास से लेके आई थी, उनके पास था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मट्टी का चूल्हा था हमारे पास, मैंने उठा के उसको सब निकाल दिया। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा है चूल्हा, ये मुझे देख के बहुत खुशी हुई। तो इसका सिस्टम देखिए कितना अच्छा है, तो मैं बोलने से लेके जाओ फूफू आप बोल के मुझे दिए, तो उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे चूल्हा देख के बहुत खुशी हुई, यूनिक है लेकिन जिसका सिस्टम बहुत अच्छा है। ये देखिए गैस का सिस्टम की जैसा, जैसे गैस के ऊपर ये आते हैं उस तरह से, जिन लोग को चूल्हे में पकाने अच्छा लगता है उनके लिए ये बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चूल्हा। चूल्हा हमारा सिक गया है, मैंने कढ़ाई को भी रख लिया है, सिर्फ एक कवर डाली हूँ, चुमनी तेल की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से एक कवर डाल के आराम से हम सुलगा सकते हैं। मुझे चूल्हे में खाना बनाना बहुत पसंद, पहले से भी बचपन से भी, अब अच्छे से यूनिक यूनिक चूल्हा देते भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मुझे इस तरह से चूल्हे में बनाना कुछ भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर अमली के बीज गरम कर लूँगी, मैं सोची कि क्यों गरम करना, देखेंगे इसको गरम नहीं करना बोल के सोच रही थी, तो अभी गरम करना ज़रूरी है, नहीं तो ये पता नहीं अंदर से क्या आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, वो ख़राब हो जाते हैं बीज।
तो अभी मैं इसको गर्म करूँगी, थोड़ा सा हम हल्के हल्का आंच पे गर्म करेंगे। इससे क्या होता है, जो गर्म करके रहते हैं उसके अंदर ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते, बोल रहे हैं। देखते हैं, ये भी एक आजमा लेंगे, शायद नहीं आ, ये गर्म की वजह से कुछ भी नहीं होते सोच रही हूँ मैं भी इस तरह से, इसलिए गर्म कर रही हूँ। आपने पिछले वीडियो मैंने डाला था, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए यहाँ पर मैं गरम कर करके इस तरह से डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं लंच भी प्रिपेयर कर लूँगी, एक पुलाव बना रही हूँ मैं, इसीलिए चार अंडे ले रही हूँ। धुआँ आ गया तो हंकियाँ जल जाते हैं रुबा। देखिए अभी बना रही हूँ मैं पुलाव, एक पुलाव बना रही हूँ, तो थोड़ा सा धुआँ हो गया था चूल्हे में, अभी सिलग रहा है, अभी तेल अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, तो अदरक लहसुन भी हम मोटा मोटा कूट के डालेंगे, बहुत टेस्ट कर रहा है। तो सिंपल सी रेसिपी थी, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए कुछ नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट टमाटर ज़्यादा डाल के बनाते हैं ये। ऐसा पका खाना बाहर बहुत अच्छा लगता है, चूल्हे में पकाने का मज़ा ही कुछ और आता है, मुझे बहुत पसंद है बहुत। ये पानी उबालूंगी, बाद में चावल डालूंगी। यहीं पर बैठे थे तो चूल्हा भी सिल गई थी, सोची क्या यहीं पर बना के खाएंगे, बाहर बहुत अच्छा लगता है, बोल के यहीं पर बना रही हूँ मैं पुलाव, सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको चूल्हे में बनाना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए चेक करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार हमारा एक पुलाव रेडी है, बिस्मिल्लाह, गर्मा गर्म एक पुलाव रेडी है। गर्मा गर्म पुलाव खा रहे हैं यहाँ पर, आइए सब हमारे साथ इसमें दर्शन कीजिए। पुलाव खाने के बाद कड़क चाय पीना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है। चाय पीने के बाद हम अल्लाह सुमत पढ़ेंगे, आज मंगल का दस्तर था। देखिए यहाँ पर अमली के बीजों को भी मैं एकदम से क्लीन करके गर्म करके रखी हूँ, इंशाल्लाह अभी ख़राब नहीं होंगी। देखिए सारे बीजों को क्लीन करके गरम करके सुखा के एकदम से नीट से क्लीन से हैं, अब आराम से हम रख सकते हैं इसे। वहीं पर हम खाना खा के चाय पी के अल्लाह सुमत का दस्तर वहीं पर बैठ के पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह इतना सुकून था बाहर पढ़ने से आज ठंडी हवा में, अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, आज अल्लाह सुमत का दस्तर था मंगल का, हमें बहुत अच्छा लगा। आज का छोटा ये ब्लॉग फुल देखिए आपको समझ में आएगा। तो वहीं पर मैंने मुजफ्फर भी बनाया था, इसका भी वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, पहले भी है वीडियोज़ में, तो इसलिए यहाँ पर देखिए मीठा भी बन चुका है। तो मीठा अल्लाह समझ जब पढ़ती हूँ तो मीठा कुछ भी कुछ खाने के लिए दिल करता है, इसलिए मैं चूल्हे में ही मीठा भी बना दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, यूज़ भी आ रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, पता नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि सब लोग करना, एक एक जने को समझ में आया तो भी करना नहीं आता है, अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बेजार हो जाता है। मैं बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाती हूँ, मुझे खुशी मिलती है कमेंट देखने के बाद ही। चलिए अभी हम नीचे चलते हैं। तो अभी मैं नीचे जाके यहाँ पर डिनर बना रही थी, ऑलमोस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म। देखिए मटन ग्रेवी बनानी है आज,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म डिनर हम इस तरह से सिंपल खाना पसंद करते हैं और इसके साथ अचार भी डालूंगी। इस तरह से सिंपल रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, इसके सामने बिरयानी भी फीकी पड़ जाती है। टमाटो का अचार, हरी फल, गरम गरम वाइट राइस, इसके साथ ने तो कुछ भी दुनिया की हर चीज़ भी फीकी पड़ जाती है, उतना टेस्टी बना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये तारीफ़ कर रही हूँ इसलिए कि ये बहुत अच्छा भी बना था और बहुत टेस्टी भी रहता है, इसीलिए ऑलमोस्ट सबका भी फेवरेट होता है इस तरह का लाइट और सिंपल से खाना, इसीलिए बोल रही हूँ। और मेरा तो है ही फेवरेट ये खाना। आज का आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए और दुआ में मुझे भी याद रखिए, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।